झांसी के मऊरानीपुर में बड़ा मंदिर के पास अग्निशमन स्टेशन का भूमि पूजन किया गया। यह अग्निशमन केंद्र 11 करोड़ 28 लाख 73 हजार की लागत से बनवाया जाएगा। इस मौके पर विधायक बिहारी लाल आर्य ने कहा कि महीने में कोई न कोई आग की घटना होती रहती थी। मऊरानीपुर जिला बनने जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर अग्निशमन की भी सुविधा हो गई है। इसमें 2 यूनिट का अग्निशमन केंद्र प्रशासनिक भवन नंबर 2 ई टाइप आवास, 24 नंबर बी टाइप आवास बनाए जा रहे हैं। जिस प्रकार मऊरानीपुर में विकास की गंगा बह रही है, उसी तरह हमेशा बहती रहेगी। इस मौके पर उप जिला अधिकारी अंकुर श्रीवास्तव, अधिशासी अभियंता प्रखंड अवधेश राय, पीके दीक्षित, मुकेश शर्मा सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम गंगणपतये स्वाहा, ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्र स्वयकः सुबद्धिकाम काम पीलवासिनी मौम अम्बे। यहाँ पर भाई, इसमें क्या 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 योजनाओं के अंतर्गत इसमें कार्य किए जा रहे हैं? मऊरानीपुर में जो आज अग्निशमन केंद्र, जो बरसों से जिसकी इस क्षेत्र की जनता को इंतजार था कि कब मऊरानीपुर में फायर स्टेशन स्थापित हो, वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से आज विधिवत 11 करोड़ 28 लाख 73 हजार की लागत से अग्निशमन केंद्र का आज विधिवत पूजन हुआ। आज से उसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा। इसमें हमारा जो फायर स्टेशन है, ये 2 यूनिट का है। इसमें एक प्रशासनिक भवन और 24 कर्मचारियों के लिए आवास की व्यवस्था है। एक 25,000 लीटर की टंकी, सारी व्यवस्था इस भवन में है। इससे जो हमारे कर्मचारी के लिए रहने के लिए आवास नहीं था, वो सारी अब व्यवस्था होगी। और क्षेत्र में जो लगातार आगजनी की घटनाएं होती हैं, उसे हम क्षेत्रवासियों को, गाँव वासियों को पूरी तरह से निजात मिलेगा। और कितने समय में पूरा हो जाएगा ये कार्य? लगभग 6 महीने के अंदर। सर, 18 महीने, हाँ, 1 साल के अंदर लगभग इसको पूरा करेंगे। है तो इसमें 1.5 साल में बनने की व्यवस्था, लेकिन योगी जी की सरकार है, जो भी काम हो रहे हैं समय से काफ़ी पहले पूरे हो रहे हैं। कोरोना जैसी महामारी में आपने देखा होगा कि हमारा जो झांसी से खजुराहो तक 3,200 करोड़ की लागत से 4 लेन बन रहा, कोरोना की वजह से काफ़ी व्यवस्था अस्त व्यस्त रही, लेकिन वो समय से पूरा कर रहे हैं। 6 महीने में वो भी पूरा होने वाला है। तो मऊरानीपुर में एक विकास की गंगा बह रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में विकास की गंगा बह रही है। मोदी जी एक पूरे देश के नहीं, पूरी दुनिया के एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरे हैं, जो उन्होंने भारतवासियों का मान सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ाने का काम किया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी कि मोदी जी की काबिलियत की, उनकी विस्तृत सोच की, समय से पहले सारी व्यवस्थाएं करने की, चाहे पहला वेव हो, चाहे दूसरा वेव हो, और चाहे तीसरे वेव आने की कोई संभावना बनी है, उसके लिए हम सारी व्यवस्थाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो गई हैं, और मोदी जी, योगी जी जो दृढ़ता से कार्य कर रहे हैं, वो देश की जनता, प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है। लेकिन हमारे कोरोना जो वैश्विक महामारी है, इससे हमारा पूरा विश्व चिंतित है, हमारा देश चिंतित है, हमारा प्रदेश चिंतित है, और इसकी हमको चिंता करने की सभी को ज़रूरत है। जो भी सरकारी दिशा निर्देश हैं, उनका हम पूरी साक्षर उसका पालन करते रहें, क्योंकि ये समस्या अभी तक पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है।
तो इसमें मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस ही बनाए रहें। निश्चित तौर पर कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, हम लोग सफल होंगे। धन्यवाद। एक सर, जो आज जो सर यहाँ पर भूमि पूजन किया जा रहा है, सर किस चीज़ का भूमि पूजन किया जा रहा है? फायर स्टेशन का यहाँ भूमि पूजन माननीय विधायक जी द्वारा किया जा रहा है, और इसमें जो है दो यूनिट का जो है फायर स्टेशन प्रशासनिक दो यूनिट का है, और ए टाइप का दो बिल्डिंगें हैं, और बी टाइप के 24 नंबर का है आवास है। कितनी लागत का है तैयार? ये 1128.73 लाख का है। सर लगभग कब तक हो जाएगा तैयार? ये लगभग 18 महीना पूरा होने में लगेगा। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता मुकेश राजपूत की रिपोर्ट।